तो जो आप कॉन्सेप्ट आपका सुनता हूँ मैं, तो वेद चतुर्वेद और भगवद गीता में जो कॉन्सेप्ट है एक अल्लाह का तौहीद रिसालत आखिरत, यही कॉन्सेप्ट जो ना आप लोग पेश कर रहे हैं, तो जब ये कॉन्सेप्ट को इंसान सुनता है तो क्यों उन नाम चेंज कर लेना, मज़हब क्यों चेंज कर लेना? अगर सही एक है तो सब किताबों में भी एक ही है, तो नाम और जो है ना मज़हब क्यों चेंज कर लेना? और ये है कुछ हमारे साथ यहाँ इस्लाम कबूल करे हैं, वहाँ के मुसलमान लोग क्या बोल रहे हैं, ज़रूर तुम नाम चेंज कर लेना, मज़हब चेंज कर लेना, ऐसा करने से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो वहाँ के मुसलमान जो है ना ये नाम को और जो है ना ये मज़हब चेंज करने के लिए बहुत ये कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है, भाई साहब एक सवाल, कम वक्त है, आपने दो सवाल पूछ चुका है, मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बाद बाकी को मौका दिया जाएगा। भाई साहब ने सवाल किया है कि अगर वेद में लिखा है तौहीद के बारे में, एक खुदा के बारे में, एक अल्लाह के बारे में और रिसालत के बारे में, तो हमें मज़हब चेंज करने की ज़रूरत क्या है? मैं कब कह रहा हूँ कि मज़हब चेंज करो, मैं कह रहा हूँ कि मज़हब पे पुख्तगी से अमल करो। आपके वेद में लिखा है, भगवद गीता में लिखेला है बुत परस्ती हराम है, गलत है। भगवद गीता चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, भाग नंबर 7, श्लोक नंबर 20 में लिखा है कि ऑल दोज हुज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स, दे वर्शिप डेमी गॉड्स। जो कोई इंसान जो पैसे के पीछे, मटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे भागता है, वो गलत खुदा की इबादत करता है, बुत परस्ती करता है, आइडल वर्शिप करता है। तो बुत परस्ती के खिलाफ कई श्लोक है आपके वेद में, भगवत गीता में, तो मैं कब कह रहा हूँ कि मज़हब बदलो? मैं कहता हूँ कि हिंदुइज्म पे पुख्तगी से अमल करो और बुत परस्ती ख़त्म करो। उसके आगे लिखा है आपके वेद में कि कई ऋषि आएंगे, अंतिम ऋषि आएंगे, और लिखा है कि अंतिम ऋषि का जो भी कहना है उसे मानो। तो अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको आखिरी ऋषि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है और जो पैगाम दिया है वो है कुरान, उसके ऊपर अमल करना आपके लिए फ़र्ज है। अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छे हिंदू हो ही नहीं सकते। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आपका मज़हब बदलो, मैं कह रहा हूँ मज़हब पे पुख्तगी से अमल करो, और जब अमल करेंगे आपको मानने पड़ेगा एक खुदा में और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और आखिरी पैगाम कुरान में। ये लिखा है क्रिश्चियन किताब में, जूश किताब में, हिंदू किताब में भी। आपने कहा नाम बदलना ज़रूरी है, नाम बदलना ज़रूरी नहीं है, नाम से कोई मुसलमान नहीं बन जाता, मोहम्मद, जाकिर, सुल्तान, अब्दुल्ला, अमल से बनता है, अमल से। अगर आप अपनी सारी रजा अल्लाह खुदा के हवाले करते हैं उसे कहते हैं मुस्लिम। आप अपना नाम बदलने से जाकिर, अब्दुल्ला, सुल्तान, शाकिर से मुस्लिम नहीं बन जाते, मुस्लिम बनते हैं आपकी सारी रजा अल्लाह के हवाले करना, फिर आप मुस्लिम बनते हैं। हिंदू के मानी क्या? हिंदू इज़ अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन, ज्योग्राफिकल इलाकी एतबार से डेफिनेशन है। जो कोई इंसान, जो कोई शख्स इंडस वैली के इर्द गिर्द रहता है, इन द लैंड ऑफ इंडस वैली, जो इंसान सिंधु नदी के आसपास रहता है उसे कहते हैं हिंदू। ये लफ्ज़ हिंदू सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था अरबों ने जब इस देश में आए, तो हिंदू लफ्ज़ सबसे पहले इस्तेमाल किया था अरबों ने। तो ज्योग्राफिकली जो भी शख्स इस देश में रहता है उसे हिंदू कहते, तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूँ, मजहबी एतबार से नहीं, ज्योग्राफिकली इलाके एतबार से। अगर आप कहते कि हिंदू मतलब बुद्ध की पूजा करना, तो मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन इलाके एतबार से मैं इंडियन हूँ, इलाके एतबार से मैं हिंदू हूँ, और खुदा को मानने के एतबार से मैं मुस्लिम हूँ, क्योंकि मैं सारी रजा अल्लाह के हवाले करता हूँ। और इस्लाम में भी नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है, नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं। अगर वो नाम शिरकाना है, जिसमें शिर्क की बू आ रही है, तो बदलना फ़र्ज़ है, वरना नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं। आप अपना पुराना नाम भी रख सकते, अमली तौर पर आप अल्लाह की बात मानो तो आप अच्छे मुसलमान बनेंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।